फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। अब इस वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आपसे ये सवाल होता है, क्लोज्ड पाइप क्या होता है? एक साइड जो क्लोज रहेगा उसको मैं क्लोज्ड पाइप बोलता हूँ। ये एक साइड ओपन रहेगा, एक साइड ये क्लोज रहेगा। इसमें कोई फ्लूइड रख दो, जनरली एयर ही होता है। आर्गन पाइप लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्लोज वाले की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, तो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन में कितने नोड, कितने एंटी नोड? यहाँ ऑलवेज एंटी नोड, यहाँ ऑलवेज नोड। तो ये जो पाइप है उसमें मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, बराबर है? तो ये तो रही इसकी कहानी। और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लें। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होती है। कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल इक्वल टू 20, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 80। इसको ऐसे ही रहने दो, 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया। ये कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप जो होता है, आप अगर पढ़ोगे तो इसमें समझना इसको, ओपन आर्गन पाइप में ये वाली जो होती है यहां से जो ऐसे बनती है, ये जीरो ओवरटोन फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें सारे हार्मोनिक होते हैं, दो नोड बन जाएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट ओवरटोन, तीन नोड बन जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड ओवरटोन। समझना, तीन नोड में सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा। ये है फर्स्ट ओवरटोन और ये है हम लोगों के पास, थोड़ा मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ, इसको मैं और बड़ा बना दूँ जिससे थोड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। इसमें एक्चुअली तीन नोड होंगे, ये मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ओपन वाले को, क्योंकि इसमें तीन नोड आएंगे, तो एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, तो वो कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप। तीन नोड, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, नोड नोड नोड, यहाँ ऑलवेज एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसकी, अब इसकी लेंथ कह रहा है हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप। इसकी जो लेंथ है वो हमें एल कंसिडर कर लेना है। और यहाँ से अब देखो दो नोड, ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये वाली एक नोड लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई टू ये हो गया लैम्डा। तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो ये लैम्डा और प्लस ये लैम्डा बाई 2, मतलब आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 3 बाई 2, और लैम्डा उधर से हम निकाल के लेके आए थे, इसमें रख दो 80, दैट इज 40, तो 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। आपको कोई फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, 120, ठीक है? ये वाली चीज। चलो ये देखो, N1, N2, N3, ये जो क्वेश्चन है नीट